हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए अपनी पढ़ाई लिखाई। आप लोग बहुत मस्त झटका तरीके से कर रहे हो। तो जैसे पता कि आप कि बेटा हम लोग का टॉपिक यहाँ पर ट्रेंगल, यहाँ पर चैप्टर हम लोग का चला था। इस ट्रेंगल में अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ इंपॉर्टेंस थ्योरम और ट्रेंगल की प्रॉपर्टी की बात करी गई है। यहाँ पर आपको ट्रेंगल एक थ्योरम आपको दे रखी थी, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। इसको आप क्वेश्चन के तौर पर भी कर सकते हो। तो कह रहा है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल ट्रेंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल बाई सेक्टर ऑफ सेगमेंट। कह रहे हैं कि दो ट्रेंगल का जो एरिया होगा ना, उनका रेशियो और इस ट्रेंगल में एक एंगल बाई सेक्टर होगा, दोनों ट्रेंगल के एंगल बाई सेक्टर के रेशियो स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स हमको दिखाना, जैसे समझे सर क्या हो जाएगा। जैसे मान लो बेटा आपका ट्रेंगल हो जाएगा, ये आपका ट्रेंगल ए बी सी हो जाएगा, एक ट्रेंगल आपका हो जाएगा पी क्यू आर हो जाएगा। अगर ये दो सिमिलर ट्रेंगल हैं, ठीक है, तो इनके एंगल बाय सेक्टर ड्रॉ कर जाते हैं। ये वाला एंगल इनके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी है। लाइन कौन सी, एल और एम ने यहाँ पे डिवाइड की है। तो आपको दिखाना है अगर ये दो ट्रेंगल सिमिलर है तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, मतलब ट्रेंगल ए बी सी का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर, इन दोनों के एरिया का रेशियो हो जाएगा ना, इनकी एंगल बाई सेक्टर का जो रेशियो होगा ना, उनके स्क्वायर के इक्वल आपका, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि भाई देखो एंगल बाई सेक्टर का ए एल और पी एम है, उनका अनुपात इनका रेशियो करके एरिया के अनुपात के इक्वल आपका आना चाहिए, दोनों एरिया के अनुपात का, ठीक, रेशियो के इक्वल होना चाहिए। ये थ्योरम क्या रही है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। क्या हो जाएगा, ए ट्रायंगल बी सी हो जाएगा, ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा देखो बेटा पी क्यू, ये आपका आ जाएगा। इसमें एक एंगल बाय सेक्टर ड्रॉ किया गया है, ये और यहाँ पर ड्रॉ किया गया सेक्टर। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका इनके इक्वल होगा और ये एंगल इनके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल वन हो जाएगा, ये आपका एंगल टू हो जाएगा, ये एंगल थ्री मान लो तो इसको एंगल फोर मान लो, तो क्या हो जाएगा एंगल वन बराबर का एंगल टू हमको गिवन। अच्छा, जो गिवन है उसको अच्छे से यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, स्क्वायर करते हैं तो अच्छे से लिखेंगे इसको ब्लैक ब्लैक। अब यहाँ देखो तो गिवन हमको दे रखा है टू ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर, आर क्या हो जाएगा आर सिमिलर को दे रखा है। अगर ये सिमिलर है तो इसका क्या हो जाएगा, एंगल ए आपका बराबर एंगल पी के हो जाएगा। भाई क्या सिमिलर ट्रेंगल है तो क्या हो जाएगा, एंगल ए आपका बराबर एंगल पी के हो जाएगा, ठीक हो जाएगा एंगल बी आपका इक्वल एंगल क्यू के हो जाएगा, एंगल बी क्यू हो जाएगा और एंगल सी आपका इक्वल एंगल आर के यहाँ हो जाएगा। और अगर सिमिलर है तो हम लोग कह सकते हैं सर ए बी अपान का क्या हो जाएगा, ए बी अपान का पी क्यू इक्वल आपका हो जाएगा ए सी अपान का पी आर इक्वल हो जाएगा बी सी अपान का क्यू आर। इतना आपको सिमिलरिटी सी दीजिए आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब देखो एंगल ए आर, इसको नाम दे दो एल, ये आपका एम हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान देना। तो एल इज द एंगल बाय सेक्टर ऑफ ए एल, इज द ए एल इज द एंगल बाय सेक्टर ऑफ ए आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एंगल वन बराबर का एंगल टू क्यों हो जाएगा, ए एल इज अ एंगल बाय सेक्टर, एल क्या हो जाएगी आपकी, एल आपकी हो जाएगी एल इज एन एल इज एंगल बाय सेक्टर आपका हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे छोड़ दें यहाँ पर इसको, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखो इधर एंगल थ्री बराबर आपका एंगल फोर आ जाएगा, ये क्यों हो जाएगा, बिकॉज पी एम
PM is an angle bisector. एंगल में एन लगता है भाई, एन आपका जाएगा, ये आपका एन आ जाएगा। इसको रफ करते अच्छे लिखते इसको थोड़ा सा, PM एन एंगल बाई सेक्टर क्या जाएगा आपका, ये एंगल बाई सेक्टर आपका हो जाएगा, PM भी आपका हो जाएगा, इसलिए एंगल थ्री आपका एंगल फोर के इक्वल हो जाएगा। इतना हमको यहाँ पर गिवन से इतना हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखो हमको प्रूफ करना है, उसको यहाँ लिखते हैं जो प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है सुन यहाँ लिखते हैं प्रूफ दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हमको दिखाना है। इसका जाएगा AL अपॉन के PM के होल स्क्वायर क्या जाएगा। ठीक, इतना हमको यहाँ पर प्रूव करना है। अच्छा, हमने थ्योरम क्या पढ़ रखी है कि जो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं क्या हो जाएगा, उनके एरिया का रेशियो, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे वी नो दैट क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपान क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी अपान का पी क्यू के होल स्क्वायर क्या जाएगा। इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ देखो बात करते हैं इन ट्रायंगल, देखो बेटा ये इस ट्रायंगल में यहाँ पर बात करेंगे, क्या बात करेंगे, यहाँ देखो सर एंगल ए बी एल एंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा पी क्यू एम की बात, इसमें बात करोगे तो देखो एंगल जो आपका बी होगा वो आपका एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल बी आपका एंगल क्यू के इक्वल यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखो क्या आ जाएगा आपका, हम लिखेंगे एंगल वन बराबर एंगल थ्री हो जाएगा। कहो सर जी पल्ले को नहीं पढ़ा, तो देखो आपको क्या गिवन दे रखा है, आपको आपको यहाँ गिवन दे रखा है एंगल ए आपका एंगल पी के इक्वल है, तो देखो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे एंगल ए इक्वल एंगल पी क्या आ जाएगा। ठीक, इतना हमको दे रखा है, और इसको क्या लिखोगे सर, भाई एंगल ए को तुम क्या ले सकते हो, एंगल वन प्लस एंगल टू ले सकते हो, और एंगल पी को तुम क्या ले सकते हो, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर ले सकते हो। अब देखो एंगल वन एंगल टू आपस में इक्वल है, तो जहाँ पर एंगल टू वहाँ पर हम एंगल वन यहाँ ले सकते हैं, तो हो जाएगा ये भी एंगल टू जो एंगल वन आ जाएगा, और जहाँ पर एंगल फोर है वहाँ पर एंगल थ्री ले सकते हैं, तो एंगल थ्री से क्या जाएगा, ये आपका एंगल थ्री हो जाएगा, ये क्या जाएगा, ये आपका टू एंगल वन आ जाएगा, ये आपका टू एंगल थ्री आ जाएगा, टू टू कट जाएगा, एंगल वन आपका एंगल थ्री के इक्वल हो जाएगा। अब देखो किसी भी ट्रायंगल में अगर आपके दो एंगल इक्वल हैं तो हम क्या बोलेंगे कि सर वो आपके सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, अगर वो आपका सिमिलर तो हम क्या लिखेंगे ट्रायंगल ए बी एल सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल क्यू पी एम क्या आपका आ जाएगा। अगर सिमिलर हैं तो इनकी तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। देखो इधर हम क्या लिखेंगे ए बी अपान का पी क्यू इक्वल हो जाएगा बी एल अपान का क्यू एम इक्वल क्या हो जाएगा, ये ए एल अपान का पी एम, सिमिलरिटी आपको लिखनी आनी चाहिए। अब देखो ए बी अपान का पी क्यू आपको इक्वल ए एल अपान का पी एम दे रखा है, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे, क्या हो जाएगा ए बी अपान पी क्यू जी हम लोग क्या लिख लेंगे ए एल अपान का पी एम का होल स्क्वायर। बेटा मेरी निगाह से देखो हमको यही तो यहाँ प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना यहाँ देखो इधर, ये देखो यही आपका यहाँ पर आ गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपका ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये वाली आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं दोस्तों जय हिंद।